हे गाइस, पारी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। आज मैंने अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, वो भी आटे से फेशियल करना। आटे से फेशियल मैंने खुद फर्स्ट टाइम करा है, रियली फर्स्ट टाइम करा है, और देखते हैं इसके रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हाँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें बताती हूँ कि शायद आप वो स्किप कर जाते हैं, फिर आप फेशियल करते हैं तब आप बोलते हैं कि इसमें ग्लो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में अभी तक नए हैं ना, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज आपको मेरे बाल थोड़ा कर्ली कर्ली, हाँ वैसे मेरे बाल नेचुरली कर्ली है, इसे मुझे करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी बाल वॉश करे हैं तो उसके बाद मुझे ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होता कि रात को कर्ल वगैरह करो, ये नेचुरली कर्ली हेयर है। तो चलिए इसे छोड़िए, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो चाहिए मैं आटा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जई का आटा, जिसे जौ का आटा भी कहते हैं। आपके पास जौ का आटा नहीं है तो आपके पास नॉर्मल ओट्स होंगी, उसको आप ग्राइंडर में पीस लीजिए, एकदम पाउडर बना दीजिए, वो हो गया जौ का आटा। आपके पास जौ ओट्स कुछ भी नहीं, आप तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं। तो देखिए, आटा जैसे हमारे फेस के लिए, सॉरी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना, वैसे हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जई का आटा तो बेसन से लाख गुना अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन फाइबर होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी बेस्ट है, जिनकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, उनके लिए भी बेस्ट है। सबसे पहले हम क्लिंजिंग प्लस स्क्रब बनाएंगे। तो एक चम्मच हमें आटा लेना है, एक चम्मच हमें शुगर लेनी है, चीनी जिसे नॉर्मल चीनी आप खाते हैं, और एक चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है। तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये बनके एकदम रेडी हो चुका है हमारा स्क्रब। तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। जब भी कोई भी क्रीम कुछ भी अप्लाई करें तो फेस वॉश करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रब अप्लाई करेंगे। तो पूरे फेस में अप्लाई कर लें। तो देखिए, इसमें जो हमने पहली चीज डाली है शुगर। शुगर बहुत अच्छा एक्सफोलिएट का काम करता है आपके स्किन के लिए, आपके डेड सेल्स, आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है उनको रिमूव करता है, आपके जो पोर्स है उसको श्रिंक करता है। और ये साथ में जो इसमें दूसरी चीज डाली है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है आपके पिंपल्स को दूर करता है, आपके डेड स्किन को दूर करता है, एंटी एजिंग तत्व इसमें होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट तत्व इसमें होते हैं, और आपकी स्किन को लंबे समय तक जमा बना के रखता है। तो इन और ओट्स के गुण मैंने आपको बताई दिए। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, सॉरी फेस में अप्लाई कर लीजिए। और कम से कम आपको 5 मिनट स्क्रब करना ही करना है। अगर आप वीक में 2 टाइम स्क्रब करती हैं नहीं तो 10 मिनट्स, अगर आप बहुत 15 डेज बाद स्क्रब करती हैं। अच्छे से स्क्रब कर लीजिए अपने फेस को। आपको अच्छे से स्क्रब कर लेना है फेस पे। और ये मेरा स्क्रब डन हो चुका है, मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी। फेस मैंने वॉश कर लिया है, मुझे अपना फेस रियली बहुत फ्रेश लग रहा है। मुझे खुद नहीं पता था कि इतना इफेक्टिव होगा ये। आप मेरे नोज पे ग्लो देख सकते हैं, चीक्स पे ग्लो देख सकते हैं। तो बनाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए मुझे लेना है क्रीम के लिए आधा बनाना, जिसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूंगी। ठीक है, अच्छे से मैश हो चुका है बनाना। उसके बाद मुझे इसमें डालना है 1 चम्मच आटा। इसी भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो चुका है अब ये, तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच दही। आप एक पूरा बड़ा चम्मच डालिए, नहीं तो 2 चम्मच आप दही लीजिए और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि एकदम थोड़ा ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। और हाँ, आपको अगर ये इसको आप एकदम लिक्विडी बनाना है तो आप इसे कम से कम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स छोड़ दीजिए। तो ये 5-10 मिनट्स छोड़ने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये क्रीम फॉर्म में आ जाए। ये जो जिसमें आटा है वो बिल्कुल दरदरा ना लगे आपके फेस में, इसीलिए मैं इसे 10 मिनट्स छोड़ने के लिए आपको कहा था। तो इसको आप अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, केले में आपको पता ही है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरेट होता है, पोटेशियम होता है, मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं।
और ये जो हमारी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाकर हमारी जो बढ़ती उम्र है उसके लक्षणों को रोकने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। इसमें विटामिन ए होता है, इसके टाइटनिंग एजेंट इसमें होता है, दही में आपको पता है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते हैं जो इसमें, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड भी इसमें पाया जाता है जो आपको पता है एक बहुत अच्छा पीसिंग एजेंट होता है, हमारी स्किन का टोन को फेयर करने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। तो अच्छे से मसाज कीजिए, मिनिमम 15 मिनट्स आपको मसाज करनी है। हाँ, आपको इसको ड्राई नहीं रखना है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 2 चम्मच दही डालिए, मैंने 1 चम्मच दही डाला था, नहीं तो आप इसके बीच में थोड़ा सा वाटर लेके इसको अच्छे से और मसाज करिए। 15 मिनट्स मसाज करनी है आपको, और नेक को बिल्कुल अवॉइड मत करिए, फेस गोरा चमका के कुछ नहीं होगा, गले को भी गोरा चमकाना बहुत जरूरी है। अगर हाँ, एक स्पेशल मसाज वीडियो मैंने बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, थोड़ा सा मैं और लूंगी। जब आपका मिनिमम 15-20 मिनट्स हो जाए तब आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। देखिए हो चुका है, मैं फेस वॉश कर लूंगी। अब मेरा फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस देख सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो मुझे अपने फेस पे नजर आ रहा है। ये लग रहा है कि ये कुछ काम कर रहा है आटे का फेशियल। देखिए फेस पे ग्लो, काफी अच्छा ग्लो मुझे अपने फेस पे नजर आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे पूरे जो टॉप है उसमें भी पानी पानी हो गया। अब बनाते हैं हम इसका लास्ट पैक। उसके लिए 1 चम्मच आटा, थोड़ा सा हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच मुझे यहाँ पे चाहिए नींबू के रस। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसमें मुझे चाहिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, और एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। अगर क्वांटिटी थोड़ा आपको ऐसा लग रही है कम है तो बिल्कुल कम नहीं है, पूरी क्वांटिटी है अच्छे से मिक्स करने के बाद। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, फेस में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए आप, और आपको पता ही होगा हल्दी एक एंटीसेप्टिक गुण होता है, आपके फेस के पिंपल्स दाग धब्बों को दूर करने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। और हजारों साल से हमारे जो ट्रेडिशन में हल्दी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन को ब्राइटन करने के लिए, एलोवेरा की वो मैंने आपको बताई दी है, और सब वही नॉर्मल चीजें हैं जो हमने पहले भी डाली थी, एलोवेरा और आटा। अच्छे से अप्लाई कर लेना है आपको अपने फेस में, और मिनिमम इसको आप 15 मिनट्स रखिए जब अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई पूरा नहीं करना होता है कभी भी फेस पैक, जो आपका फेस का ऑयल है वो भी पूरा जो फेस पैक है वो भी ले लेता है, इसलिए ज्यादा कभी भी फेस पैक को ड्राई ना करें। देखिए मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, ये ड्राई हो चुका है। देखिए ये पूरा ड्राई नहीं हुआ, तो मैंने कहा था कि पूरा ड्राई नहीं करना है, अब फेस वॉश कर लेते हैं। देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, और आप मेरे फेस में इफेक्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे फेस में मुझे नजर आ रहा है, ग्लो भी आ रहा है अच्छा सा। आप मेरा पहले वीडियो को बैक फॉरवर्ड कीजिए और देखिए, उसमें मेरा फेस बहुत डल नजर आ रहा था, और ऐसे में काफी ब्राइट मुझे अपना फेस लग रहा है। तो आई थिंक आपके फेस में भी ये जो फेशियल है बहुत अच्छा काम करेगा। तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल मत बताइएगा, और मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आएगी तो लाइक करना, और ट्राई जरूर करके बताना। तो मिलते हैं।